Hey everyone, Assalamualaikum, welcome back to my channel Ifran Zoom, और कैसे हो आप सब। सो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना लिपस्टिक का कलेक्शन। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो भी है आई विल शेयर इट विथ यू गाइज। एंड मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा लिपस्टिक थी, अभी कुछ खो गई, टूट गई, चोरी हो गई है, सब ऐसे कुछ हुआ है। सो मैं ये बोलने वाली थी कि लिपस्टिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेकअप प्रोडक्ट। हम पूरा मेकअप कर लेंगे और लिपस्टिक नहीं लगाएंगे तो वो इनकम्प्लीट है, और अगर सिर्फ लिपस्टिक लगाएंगे तो मेकअप भी कम्प्लीट है। सो ये है मेरी सारी लिपस्टिक्स, एंड ये इतने बड़े स्टोरेज बाउल में आई है। सो मैं इसको इस तरीके से नहीं रखती हूँ, इनफैक्ट आई कीप इट इन दिस लिपस्टिक होल्डर क्योंकि मिनीसो से लिया था, एंड इसके नीचे बॉक्स है टू स्टोर अदर थिंग्स, एंड ऊपर सारी लिपस्टिक्स एडजस्ट हो जाती हैं। आई हैव 50 अराउंड लिपस्टिक तो वो सारी उस पर आ जाती हैं। तो ये है मेरी लिपस्टिक्स, और अब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से शेड्स है, कौन कौन सी कंपनी के, एंड ऑल। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। दिस इज द स्मॉल लिपस्टिक होल्डर जो मैं मिनीसो से लाई थी, एंड मैंने ये पहले शेयर किया था शबाना के बर्थडे की वीडियो में। सो दीज आर सम 47-48 लिपस्टिक विथ लिप बाम्स एंड लिप लाइनर्स। तो मैंने जो अभी अप्लाई किया हुआ है दैट इज कीको मिलानो का स्केच। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी लिपस्टिक से। सो ये है कीको मिलानो का लॉन्ग लास्टिंग लिप स्केच लिप मार्कर। इस पर लिप मार्कर लिखा है बट ये एक स्केच पेन से चलता है, एंड ये इसका स्ट्रोक और कलर है। मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, स्टिल इफ यू वॉन्ट तो मैं अपने स्किन पे दिखा देती हूँ। इट्स इन पिंक एंड बहुत ही नेचुरल पिगमेंट और बहुत नेचुरल शेड है इसका। इसमें से जो भी मेरे हाथ में आ रही है मैं आपको वो दिखा रही हूँ, कब कौन सी ली, कब क्या लिया वो मैं आपको बताती जाऊँगी। सो दिस इज मेबेलिन न्यूयॉर्क लिप ग्रेडेशन, बहुत ज़्यादा इन थी ये, 4-5 शेड्स हैं, एंड इसका रेड शेड भी है मेरे पास बट वो भी मिसिंग है। एंड दिस इज फ्यूशिया कलर, एंड दिस इज द कलर, एंड अमेजिंग है ये, बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पीछे एक कुशन आता है जिससे आप इसको स्मच कर सकते हो। सेकेंड इसका टेक्स्चर है बहुत ज़्यादा ही स्मूद है। ऑल्सो ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, मतलब ये आप 12 आवर्स तक ये स्टे करती है आराम से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो पिंक का ही दिस इज़ NYBAE की लिप क्रेयॉन, एंड ये कुछ सिमिलर शेड है इससे, वेरी सिमिलर, लुक एट दिस। सो इस शेड का नंबर है 10, एंड इट इज यू टच ऑल माई बेसिस, एंड ये बिल्कुल पिंक फ्यूशा एकदम सिमिलर है, बट इसके अकॉर्डिंग ये बहुत चीप है, मतलब ये कुछ 500-600 की आती है, एंड इट इज 400 समथिंग। दिस माई ग्लैम पोज HD लिपस्टिक जो की है शेड नंबर 00 रोज पिंक। सो दिस इज ऑल्सो इन पिंक शेड, एंड दिस इज सो नाइस कलर। Just look at the color. This is so pretty. And मेरे पास बहुत सारी शेड लिपस्टिक के कलर मिक्स हो जाएंगे। The shade. Look at this. So this is also NYBAE की liquid lipstick. ये भी pink shade है. This is for $195. This is the color. This is love. This is L'Oreal. और बहुत सुंदर शेड है इसका, अफेक्ट बहुत अच्छा है, इसको आप जब यूज़ करोगे एकदम फेदर लाइट है, ये एकदम फेदर लाइट है आपके लिप्स पे। इट इज़ 135 एडमायर्ड, और मैंने बहुत बार यूज़ किया है। सो दिस इज़ L'Oreal पैरिस 135 एडमायर्ड, एंड दिस इज़ द शेड Maybelline कलर शो इंटेंस क्रेयॉन। इट इज़ ऑल्सो इन मॉव कलर, एंड दिस इज़ मिस्टिक मॉव M405, और ये मैंने बहुत बहुत यूज़ किया, इसका कवर भी खो गया। दिस इज़ द शेड नीचे वाला। सो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है L'Oreal पैरिस और ये, बस ये हल्का सा डार्क है, एंड ये दोनों मॉव कलर में ही आते हैं। ओके नेक्स्ट इज दिस वेट एंड वाइल्ड इन डार्क पिंक। सो दिस इज वेरी रिकॉग्नाइज, एंड दिस इज द शेड, और इसमें बहुत कुछ चिपका हुआ है बिकॉज ये बहुत कम यूज हुई है। इट इज़ ऑल्सो लिक्विड लिपस्टिक, एंड इसके साथ साथ ही मैंने वो ब्राउन मॉक का कलर मंगाया था जो खत्म हो चुका है। बहुत सिमिलर शेड्स हैं मेरे पास। सो ये लास्ट वाला। सो नाउ नेक्स्ट आर दीज क्यूट मिनी लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम स्टे क्विकी, एंड
ये मिनी लिक्विड लिपस्टिक्स बहुत अमेजिंग है. सो दिस इज इन द शेड आई डोंट नो, आई विल मेंशन इट हियर. सो एक ये बहुत सिमिलर शेड्स हैं, आपको दोनों दिखा देती हूँ. एंड दीज आर न्यूड पिंक्स. नीचे की और ये दोनों कितने सिमिलर है. सो इट्स अ काइंड ऑफ ड्यूप ऑल्सो. ये बहुत अफोर्डेबल है, ये थोड़ी महंगी लिपस्टिक्स है. दिस इज द वन जो मैंने कभी यूज ही नहीं करी है और ये थोड़ा अजीब सा शेड आया बिकॉज आई डोंट यूज दिस काइंड ऑफ शेड. इट इज दिस वन, मेबेलिन. दिस इज 666 टच ऑफ स्पाइस, बेस्ट मॉव पिंक शेड एवर. इट्स अमेजिंग, द टेक्सचर एवरीथिंग इज वेरी नाइस. इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, इसका कलर बहुत अच्छा है, इसकी फील बहुत अच्छी है, थोड़ा सा लाइट वेट है एंड ऑल्सो दिस इज ऑल्सो अफोर्डेबल. अगेन मेबेलिन. तो इससे पता चलता है कि हम अफोर्डेबल लिपस्टिक ही यूज करते हैं. महंगी कुछ कुछ ही लिपस्टिक होगी जो मैं ज्यादा महंगी खरीद लेती हूँ. सुपर स्टे मैट इंक एंड ये है मेबेलिन न्यूयॉर्क एंड दिस इज इन द शेड डेलिकेट 225 लिप कलर है 650 रुपीज की. इतना ज़्यादा सुपर स्टे है ये सच में नहीं हटता है. इसके सारे शेड्स अच्छे हैं, इसका वाइन शेड में बहुत अच्छा एक कलर है. सो ये सच में नहीं हटता. दिस इज द शेड. सिमिलर टू दैट इज दिस अल्टीमेट लिक्विड लिपस्टिक, वेरी सिमिलर. दिस इज मॉव न्यूड. ये मिक्स हो गई यार. दिस इज द कलर, दिस वन ऑफ पैक लिपस्टिक जो मैं सिर्फ ब्लशर के लिए यूज करती हूँ बिकॉज ये बहुत लाइट है. दिस इज 06 सिंड्रेला एंड ये है पैक की लिपस्टिक एंड इसका कैप है मैग्नेट वाला. इसका शेड बहुत लाइट है इसीलिए मैं इसको एज अ ब्लशर यूज करती हूँ एंड आपको इससे ही पता चल जाएगा कितने सिमिलर शेड्स हैं ये सारे. तो नेक्स्ट इज दिस पिंक लेस फ्रॉम लैक्मे 925. दिस इज वेटलेस मैट मूज लिप एंड चीक्स. तो ये लिप एंड चीक्स मूज है इनफैक्ट एंड इसका कलर अच्छा है. मैं बहुत यूज़ किया है, मैं बहुत यूज़ करती हूँ और वैसे भी लिप एंड चीक मूज मैं ज़्यादा चीक्स पे यूज़ करती हूँ. बट इट इज़ अ वेरी नाइस कलर. दिस एंड दिस वन इज सिमिलर. ये है पिंक टोन्स अभी और आ रहे हैं. वेलोरा पैरिस की न्यू लिपस्टिक आई है ये. दिस इज ऑल्सो लिक्विड लिपस्टिक और ये बहुत ज़्यादा ही स्टे करती है. इनफैक्ट ये सुपर स्टे है. मैं यहाँ लगा देती हूँ वो. सो दिस इज द शेड एंड दिस इज अ सुपर स्टे लिपस्टिक. मतलब जिनकी नई नई शादी होती है और उनको प्रॉब्लम होती है कि लिपस्टिक हटती रहती है, गो फॉर दिस वन. प्राइस भी ठीक है. दिस इज 13 ड्रैगन्स पिंक. सो यू कैन गो फॉर दिस वन एंड दिस इज द शेड. लैक्मे एब्सोल्यूट लिक्विड लिप कलर मैट मेल्ट एंड इट इज इन द शेड पीच रोज. तो ये 08 पीच रोज है. इट इज वेरी लाइट. This is the lightest color in peach and pink I have. This is the shade. और इतना light मैं use नहीं करती तो मैं mix कर लेती हूँ इसको किसी और shade के साथ. एक और peach shade है मेरे पास. This is Go On Stage 108 from Color Bar and this is a very nice shade. This is peach. एकदम peach है ये, pink tone में नहीं है, ये orange tone में जा रही है थोड़ी सी. Next है ये lip liners and these are from Super Matte है और ये बहुत affordable थी. आई गेस स्टार्ट करते हैं इसके swatches से. So this is how it looks. और ये बहुत अच्छा peach, brown peach color है कुछ. And this is color 066. ये लाइट कलर है और न्यूड शेड है, पिंक न्यूड. उसके बाद आते हैं हम इस कलर पे. दिस इज पीच कलर. अब ये दो लास्ट जो बचे हैं ये डार्क शेड्स हैं. तो पेंसिल इसमें थोड़ी सी शीन है एंड दिस इज हाउ द कलर लुक्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा फेवरेट है. दिस इज माई फेवरेट. तो दिस इज फ्रॉम शिम्बोर. शिम्बोर के लिए पेंसिल्स आती है 550 अबव. 550 इज अ मिनिमम प्राइस. सो इसके कुछ 6 to 7 शेड्स होते हैं जिसके मेरे पास 3 शेड थे. एक खो गया, एक मिल नहीं रहा है, मतलब है मेरे पास पर नहीं मिल रहा, एक खो गया. एंड दिस इज द लास्ट शेड एंड दिस इज RD 22. तो मैं इसी के नीचे दिखाती हूँ.
दिस इज द शेड, बहुत सुंदर वाइन मरून कलर का, वाइन है नॉट मरून, सो दिस इज वाइन कलर और सुपर स्टे, बहुत अच्छा स्टे करता है, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। मैं तो इनफैक्ट क्लिप पेंसिल्स यूज करती थी बहुत ज्यादा बिकॉज अप्लाई करने में ईजी रहता है एंड यप दिस इज माई फेवरेट। एंड यहाँ मुझे दूसरा शेड भी मिल गया इस लिप पेंसिल का एंड इट इज अ डार्क वाइन शेड, नायका लिप पेंसिल, इट लिप्स डोंट लाई एंड बहुत छोटी हो गई है, इतनी बड़ी आई थी। सो दिस इज ऑल्सो इन पिंक शेड, द शेड बहुत सारे कलर्स आते हैं इसमें। दिस इज माई ग्लैम लिट लिक्विड मैट लिपस्टिक एंड इट इज इन द शेड LM77 कप केकी ब्राउन एंड दिस इज द शेड, बहुत सुंदर लगता है ये लग के, सो इट हैज अ वेरी नाइस टेक्सचर। मतलब मैं अभी तक जो भी दिखा रही हूँ वो सभी अच्छी हैं तो इसलिए मैं सबकी तारीफ ही कर रही हूँ। सो दिस इज द शेड कलरबार की लिप पेंसिल जो कि मैं ब्राउन शेड की वजह से लाई हूँ बिकॉज मैं लिपस्टिक की जगह लिप पेंसिल अप्लाई करती हूँ ज़्यादा एंड दिस इज द स्वॉच, दिस एकदम चॉकलेट ब्राउन है एंड इसका शेड भी है चॉकलेट ब्राउन 014। हम आते हैं अपनी Now next is this Lakme 925 Lip and Cheek Mousse in the shade Chocolate Mousse. So ये brown shade है, of course the shade. And मैं already बता चुकी हूँ कि ये सारी ही 925 Lakme की weightless है, amazing texture है. Another one Lakme 925 is Coco Soft. ये उससे ज़्यादा better है because it's a lighter shade. And a very light shade compared to that. And इसको apply करके अगर एक बार tissue से tap करेंगे तो ये बहुत natural nude color देता है lips को. This is L'Oreal Paris Infallible Pro Matte Liquid Lipstick. And ये बहुत ज़्यादा stay करती है but थोड़ी बहुत अब चिप 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 करने लगी है. And it is in the shade 358 Cowboy. This is perfect brown, white. In fact, milk chocolate का कलर ऐसा होता है. So this is the color, L'Oreal lipstick. This is color rich matte 208 Cafe de Flora and best brown color. So मैं अपनी favorite lipstick का swatch आपको अपने lips पे भी दिखा देती हूँ. This is the color and this is how it looks when you apply it on your lips and have and look at the size, khatam hai ye lipstick aur ye hai iska shade, this is the best lipstick I have in my collection in brown shade, ye sabse zyada because it's not a liquid lipstick, easy to apply, bahut acha soft texture, also the color I die for these colors, I have already told you. Now next is this premier lipstick, this is proper matte 310 ko iska number hai color ka and this is the shade aur ye thi 200 rupees ki, ye thi thodi mehengi but 200 mein mil gayi. This is the swatch and these are almost similar, it's liquid, it's not. Now let's come to Kiko Milano ka favorite HD lip gloss. It's in the shade number 39. This is 3D Hydra lip gloss and this one is amazing. Iska khud ka jo shade aata hai wo this is yahan pe lagati hu. Purple shade mein hai and just look at the reflection and gloss. It is reflecting the light and iska gloss bahut amazing hai. तो अब चलते हैं अपने रेड शेड्स पे बिकॉज पिंक ब्राउन फ्रॉम हेयर ब्राउन देखा कितने कम लग रहे हैं तो मेरे पास ज़्यादा थे यहाँ तक भर जाती बट ओके फाइन. तो अब ये है रेड लिपस्टिक्स, तो ये है NYB मैट लिप क्रेयॉन्स और इनके शेड्स हैं 29 आई एम अ यूटिलिटी प्लेयर एंड 1 क्वींस चॉइस. तो दिस इज क्वींस चॉइस एंड मैंने ये पहले भी दिखाया है, दिस इज द शेड and this is a
utility player. Now this is Faces Canada and it is in the shade Kissed Ruby and ये थोड़ा dark shade है. This is the color. It's quite dark. But ये affordable lipstick है and this is the shade. Lakme 9 to 5 weightless lip and cheek mousse in the shade Crimson Silk. At the color. एकदम लहंगे वाला रेड है, एकदम लहंगे वाला रेड. अब मैं भी ऐसी बात करूंगी, गंगू है एक तरह. कौन सा वाला रेड? लहंगे वाला रेड. ये इसका शेड है. सो हम आते हैं मेरी कलर बार की सिंपल मैट लिप कलर पे, विच इज फॉर 1200 और मैंने उतने की ही ली थी जस्ट बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग एंड द लिपस्टिक. इतना सुंदर शेड है ये, बट लगा के थोड़ा लाइट लगता है. सो फर्स्ट मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ. दिस इज द शेड. बिल्कुल ही डिफरेंट शेड है, मेरे पास कोई सिमिलर लिपस्टिक भी नहीं है इसके जैसी. एंड दिस इज द शेड. नाउ लेट्स कम टू आर लॉरियल पेरिस केन्स एडिशन. तो ये उस टाइम पे एकदम लिमिटेड एडिशन था एंड ये केन्स, इसका शेड का नाम भी केन्स 999 है लॉरियल पेरिस की. एंड दिस इज रेड जस्ट लाइक इट्स कवर. और ये थोड़े से सिमिलर हैं दोनों. सो दिस वन वॉज फॉर 1000 rupees बट थोड़े ऑफर में ली थी तो कम पड़ गई थी उस टाइम पे. सो दिस इज द शेड. दिस इज हिलरी रोडा मैट लिपस्टिक इन द शेड 15 शेड. This is the shade. This is Avon ki lipstick. It is in the shade Totally Kissable. और ये एकदम dark color का shade है. It's texture and color. And ये रही lipstick. बहुत तो नहीं but थोड़ी कम use हुई है. Lakme 9 to 5 lipstick in the shade Crimson Catch. और उस time पे मेरे को एक रेड कलर चाहिए था या फिर ऑरेंज शेड में चाहिए था, कुछ एक शेड चाहिए था मुझे लिपस्टिक का जो मुझे नहीं मिल रहा था. एंड मैंने ये लिया था न्यू यूसिल मालवीय नगर वाले, थोड़ा सा ऑरेंज शेड में जाता है ये रेड के साथ साथ. सो दिस इज द शेड. दिस इज अ वेरी नाइस शेड. इफ यू डोंट वॉन्ट टू गो रेड और ब्राउन, दिस इज परफेक्ट. ही शुगर की लिपस्टिक है मेरे पास, वो है ये लिप क्रेयॉन. एंड दिस इज Crayon lipstick matte as hell and this is 10 cherry darling and ये है red. super stay करती है भाई इसको. हट ओ just look at the color. so this is the color. Lakme absolute matte. this is in the shade red flames और ये एकदम red color है, देखो एकदम red color है. so जगह बनानी पड़ेगी. और ये सबसे लाइट रेड शेड है अभी तक का, देखो दिस इज अ वेरी लाइट रेड शेड. तो ये लिपस्टिक्स खत्म हो गई हैं. दीज आर ऑल द पिंक शेड्स, द रेड्स एंड द ब्राउन्स आई हैव. इसके बाद आते हैं हमारे मेरे लिप बाम पे. और मेरे पास 6-7 लिप बाम थे जो खो गए हैं, सब चीज खो देती हूँ मैं. सो ये है अर्सीलिया का लिप बाम, पीची लव टिंटेड लिप बाम है. सो इट हैज अ कलर. एक और लिप बाम है मेरे पास, दैट इज नीविया बेरी शाइन, ये भी टिंटेड है. एंड दिस इज स्ट्रॉबेरी फ्रॉम द बॉडी शॉप लिप बटर, बट ये टिंटेड नहीं है बट इट वर्क्स अमेजिंग. दिस वन, सो दिस इज फॉर 250 rupees. ये शायद 180 का है. तो मैं ये टिंटेड है तो मैं आपको दिखा देती हूँ हाउ इट लुक्स. दिस इज द कलर, थोड़ा सा वाइन, एकदम वाइन शेड है, टिंटेड वाइन है. एंड दिस इज पिंक. सो दिस पीची लव एंड पीच, तो ये पीच शेड दिया है इसने. सो ये अब दैट वॉज इट. इतनी सारी लिपस्टिक थी मेरे पास, अभी मैंने काउंट करा फिर मैं फिर भूल गई. तो अराउंड 50 लिपस्टिक्स हैं ये विथ लिप ग्लॉस एंड लिप पेंसिल. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपकी कौन कौन सी फेवरेट लिपस्टिक है और आपको इन सब में से कौन सी पसंद आई. और आपके पास
मेरी सारी लिपस्टिक्स में से कौन सी लिपस्टिक है, ठीक है। एंड अगर आपको और मेकअप वीडियो देखनी है या और मेरा कलेक्शन देखना है, बिकॉज लिपस्टिक सबसे ज़्यादा है मेरे पास, उसके बाद आता है लाइनर, मस्कारा, ब्लशर एंड ऑल एवरीथिंग, तो वो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता दो। सो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।